कालू गोरी गर्मी से बेहाल पहाड़ों में ठंडी ठंडी छाया खोज रहे थे। उन्हें तपती दोपहरी में छाया तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन एक छोटा सा बादल दिखाई देता है जो अपना रास्ता भटक गया था। गोरी, वो देखो वहाँ एक बादल है, जल्दी चलो उसे पकड़ते हैं, कहीं भाग ना जाए। फिर वो दोनों भागकर छोटे बादल की गर्दन दबोच लेते हैं। अंकल जी मुझे छोड़ दो, मैं अपने पापा के साथ उड़ रहा था और अचानक से रास्ता भटक गया, मुझे छोड़ दो, मेरे पापा आते ही होंगे। इतने दिनों बाद मिले हो, वो भी तुम्हें छोड़ दे, आने दो अपने बाप को, हिसाब पूरा करना है। ना जाने आजकल कहाँ बरस रहे हैं, हमारा जंगल का तो गर्मी से बुरा हाल है। ऐसे बोलते हुए गोरी कभी भागकर रस्सी लाती है और छोटू बादल के गले में बांध देती है। कुछ देर बाद छोटू बादल का पिता आता है और अपने बेटे को रस्सी से बंधा हुआ देखकर चौंक जाता है। आपने मेरे बेटे को ऐसे बांध क्यों रखा है, इसे छोड़ दो, हमें पूर्व के जंगल में बारिश करने जाना है, देर ना करो। अब हम तुम्हारे बेटे को तभी छोड़ेंगे जब तुम ये बारिश हमारे जंगल में करोगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे जंगल में सूखे का मौसम है, जब बारिशों का हुक्म आएगा तो हम जरूर आएंगे, अब हमें जाने दो, बहुत देर हो रही है। कालू गोरी तो बहुत जिद्दी पक्षी थे, वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते और छोटू बादल को लेकर भाग निकलते हैं। बड़ा बादल उनके पीछे पीछे था, वो अपने घर पहुंच जाते हैं। आप मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाए हो, इसे बाहर निकाले, मुझे जाना है। कान खोल कर सुन ले, पहले हमारे जंगल में बारिश करें, हम तभी तुम्हारा बेटा छोड़ेंगे। देखिए मैं अकेला आपके जंगल में बारिश नहीं कर सकता, ये काम तो काफी सारे बादलों का होता है, आप जिद ना करें। ठीक है तो तुम सिर्फ हमारे घर पे बारिश करो, ये तो कर सकते हो ना। लेकिन कव्वे ये ठीक नहीं होगा, हमारी ड्यूटी पूर्व के जंगल में है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे माफ करें। बेटा चाहिए तो हमारी बात माननी होगी वरना लौट जाओ। बादल पापा तो बेबस था, वो कव्वों की बात मान लेता है और रात में उनके घर पर बरसना शुरू करता है। वो पूरी रात कव्वों के घर पे बारिश करता रहा। कालू आज कितना सुकून है, घर में गर्मी का नामो निशान नहीं। हाँ गोरी, अब इस बादल से रोज रोज बारिश करवाएंगे, इसके बेटे को आप संदूक में छिपा दें। गोरी कभी ऐसा ही करती है। पास में ही रानो चिड़िया का घर था, उसे खिड़की से कव्वों के घर पे बारिश दिखाई देती, वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है। चलो अच्छा हुआ जो बारिश हो रही है, कुछ तो गर्मी से राहत मिलेगी, चिड़िया खुशी खुशी सो जाती है। सुबह होते ही वो बाहर आती है तो चौंक जाती है, अरे ये क्या, यहाँ तो कोई बारिश नहीं हुई, मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है, मैं कितनी खुश थी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी तभी उसका ध्यान कव्वों के घर पे जाता है। उनका पेड़ तो पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं दे रहा था। चिड़िया भागकर कव्वों के घर जाती है। कव्वे भैया, आज रात बारिश हुई थी क्या? हाँ हुई थी, आपके घर नहीं हुई? नहीं, यही तो मैं पूछने आई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। चिड़िया अब हमें क्या पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो भी हो हमारे तो मजे ही आगे। चिड़िया निराश होकर वहाँ से लौट जाती है। कुछ घंटे बाद बादल अपना बेटा लेने आता है। कव्वे तो साफ साफ मना कर देते हैं। मूर्ख बादल, अपना बेटा जिंदा देखना चाहते हो तो रोज हमारे घर पर बारिश करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगा। बादल बहुत डर जाता है, वो रोता है। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं हर रोज आपके घर पर बारिश किया करूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ ना करना। ठीक है, किसी को बताने की भी कोशिश मत करना, याद रखना तुम्हारा बेटा कालू गोरी के कब्जे में है। बादल दुखी मन से लौट जाता है। आसपास की नदियाँ सूखी हुई थी, वो दिन भर मेहनत करके सागर वाले जंगल जाता और रात होने पर कालू गोरी के घर पर बारिश करता। अब लगातार बारिश होने से कालू गोरी का पेड़ तो फलों से भर जाता है। कालू जी ये देखें, हमारे पेड़ पर तो फल भी लग गए, ये बादल का बेटा तो बड़ा काम आया। हाँ गोरी, अब हमें खाने की भी कोई चिंता नहीं, और बाकी पक्षियों को देखें कैसे गर्मी से बेहाल रहते हैं। अब कालू गोरी तो बहुत खुश थे, ना उन्हें खाने की चिंता थी और ना ही गर्मी की, क्योंकि रोज रोज बादल उनके घर पर रात को बारिश जो कर जाता। धीरे धीरे सब पक्षियों को पता चलता है, वो तो हैरान थे। दोस्तों आखिर बात क्या है, सिर्फ कालू गोरी के घर में बारिश होती है और हमारे घरों पर
गर्म सूरज तपता है। हाँ कबूतर भैया, मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था, पर क्या करें, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। चलो दोस्तों, बारिश पर तो कोई हक नहीं, लेकिन उनसे मांग कर फल तो खा ही सकते हैं। बड़े बड़े आम लगे हैं उनके पेड़ों पर। हाँ हाँ मिठू, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। हम अभी चलते हैं और कालू गौरी से आम मांगते हैं। फिर वो सब पक्षी कालू गौरी के घर चले जाते हैं और उसके पेड़ के नीचे जमा होते हैं। मिठू जल्दी से गौरी से आम मांगता है। गौरी पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, देखो हमारे घर पर तो कोई बारिश नहीं होती और ना ही फल पके हैं। हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, कृपया करके हमें एक एक आम खिला दें। आपके आम तो पक गए हैं। कैसे मीठी मीठी बातें बना रहे हैं। अब तुम्हारे घर में बारिश नहीं होती तो हमारा क्या कसूर। चलो भागो यहाँ से, एक आम नहीं दूंगी, सबके सब भिखारी कहीं के। चलो हमारे पेड़ से दूर हटो। लेकिन गौरी, अगर हमारे घर पर बारिश हुई होती तो हमारे फल भी पक गए होते। कृपया करके एक एक काम खिला दें, हम मजबूर हैं, हम आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी जाए भाड़ में, अगर तुम्हें आम बांट दिए तो हमारे सारे आम खत्म हो जाएंगे। ना बाबा ना, यहाँ अनगिनत आम है, आप खिला भी देंगे तो कुछ कम नहीं होंगे। प्लीज बस आज खिला दें, हम फिर कभी नहीं मांगेंगे। ऐसे सब पक्षी खूब विनती करते हैं, मगर वो दोनों तो एक आम तक नहीं खिलाते। सब उदास होकर वहाँ से लौट जाते हैं। इधर बड़ा बादल भी बहुत दुखी था। इन कौवों की तो कोई जवान नहीं है, आज मुझे बादल राजा के पास जाना ही होगा। लेकिन उनके घर बारिश नहीं की तो वो मेरे बेटे को मार डालेंगे, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। पापा बादल की सारी बातें एक छोटी सी काली घटा सुन रही थी। वो जल्दी से बादलों के राजा के पास जाती है और सारी कहानी बता देती है। उसी रात बादल कौवों के घर पे बारिश कर रहा था, तब बादल के सिपाही आते हैं और कालू गौरी को पकड़ लेते हैं। पापा बादल तो अपना बेटा पाकर बहुत खुश था। सैनिकों, इन्हें पकड़कर राजा जी के पास ले चलो, इन्हें अच्छी सजा दिलवाऊंगा। ना ना सिपाही बादल, हमें छोड़ दें, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, कृपया हमें छोड़ दें। कालू तो डर के मारे जोर जोर से रोता है। आसपास के सभी पक्षी शोर शराबा सुनकर जाग जाते हैं और भागे भागे कौवों के घर आते हैं। कबूतर चिड़िया तो झट से सारी बात समझ जाते हैं। अच्छा तो ये माजरा है, सिपाही बादल इनको ले जाओ और कड़ी से कड़ी सजा देना, ये बहुत निकम्मे कौवे हैं। कबूतर, तुम कैसे पड़ोसी हो जो हमें बचाने की बजाय इनका साथ दे रहे हो। आप चाहे तो कितने भी आम खा लेना, लेकिन हमें रोक लो, इनसे विनती करें। चिड़िया बहन, आप तो कुछ बोले, चुप क्यों हो, हमें रोक लो, हमें नहीं जाना। बादल जी, कृपया करके आप इन दोनों को जल्दी ले जाएं, ये बहुत बुरे कौवे हैं, किसी पर भी रहम नहीं करते। बादल दोनों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। सब पक्षी खुशी खुशी जी भर के आम खाते हैं और इधर कौवों को कड़ी सजा मिली थी पूरी गर्मी आसमान में बिताने की, और नीचे जमीन पर सब पक्षी बहुत खुश थे। वो जब भी भूख लगती कालू गौरी के आम खाते। आपका धन्यवाद। कालू कौवे के मामा ने नई बस खरीदी थी। उसका काम अपने जंगल में बहुत मंदा चल रहा था, इस वजह से वो कालू कौवे के जंगल अपनी बस चलाने आता है। गौरी भागी भागी दरवाजा खोलती है। कालू देखे, मामा जी आए हैं, वो भी अपनी नई बस लेकर। जाओ जाओ मामा जी, मैं आपसे बात नहीं करता, कितने दिनों बाद आए हो। भांजी, मैं बस ड्राइवर बन गया हूँ, तब बिजी रहने लगा हूँ, लेकिन अब तो आ गया, तो चिंता मत कर, अब कुछ दिन यहीं पर रहूँगा। कालू का वाता बहुत खुश था, वो तो झट से बस में बैठ जाता है और जोर जोर से हॉर्न बजा। सुंदरवन 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 की सवारी, जल्दी बैठे, अगर बस छूट गई तो फिर मत कहना। गौरी, मुझे पूर्व के जंगल जाना है, बस थोड़ी आगे तक नहीं जाएगी क्या। नहीं, बस सुंदरवन तक जाएगी, आगे ऑटो से निकल जाना, अब जल्दी बैठें। गौरी तो शोर मचा रही थी। कबूतर जल्दी से बस के अंदर बैठ जाता है। ऐसे कुछ ही देर में बस तो खचाखच भर जाती है। कालू का मामा बस स्टार्ट करता है, वो एक अच्छा ड्राइवर था, बस को सही रफ्तार से चलाता है। गौरी सबकी टिकट काटती है और जल्द ही सुंदरवन का जंगल आ जाता है। बस रोक दी जाती है। सुंदरवन सुंदरवन के पैसेंजर, जल्दी उतरो, सुंदरवन आ गया। अरे वाह, क्या ड्राइवर है, बस को कितने प्यार से चलाया, एक धक्का भी नहीं लगने दिया, वाह वाह। हाँ भाई, ये कालू
कौवे का सगा मामा है और अब इसी जंगल में बस चलाया करेगा। सुबह का समय 7 बजे का है, मैं तो यही बस पकड़ा करूँगा। ऐसे पहले ही दिन पक्षी बहुत खुश थे, वह खुशी खुशी सुंदरवन उतर जाते हैं। अब तो हर कोई पक्षी मामा जी की बस में ही बैठना पसंद करता, बस कुछ ही समय में भर जाती। ऐसे कालू कौवे के मामा की कमाई बहुत अच्छी हो रही थी। मामा जी, आपकी बस पर तो पक्षियों की खूब भीड़ लगी रहती है, मैं तो कहती हूँ थोड़ा किराया बढ़ा दें। हाँ मामा जी, इससे हमारा खर्चा भी निकल जाया करेगा। भांजे, वैसे इतनी जल्दी किराया बढ़ाना तो नहीं चाहिए, मगर आप दोनों कहते हो तो बढ़ा देते हैं। अगले दिन गौरी का भी अनाउंसमेंट करती है। सुनो, सुंदरवन के पक्षियों की टिकट अब से 10 रुपए बढ़ गए हैं, पहले ही बता देती हूँ, बाद में कोई चिक चिक ना करना। लेकिन गौरी कभी, बाकी सब ने तो किराया नहीं बढ़ाया, फिर आप क्यों बढ़ा रही हो? अरे कबूतर, तेरी तसल्ली के लिए बता दूं, उनकी बस पुरानी खटारा है और 1 घंटे का सफर 2 घंटे में तय करती है, तो बताओ हमारी नई बस का किराया 10 रुपए फालतू तो होना चाहिए। हाँ यार, इस गौरी की बात में दम तो है। ठीक है, हमें ये किराया मंजूर है, लेकिन इससे ज्यादा ना बढ़ाना। नहीं, अब किराया नहीं बढ़ेगा, आप बेफिक्र बैठे। फिर मामा जी बस चलाता है, ऐसे सात पक्षी वो किराया भी कबूल कर लेते हैं। कमाई दिन पे दिन ज्यादा होने लगी थी, मामा तो बहुत खुश था और कालू गौरी भी। कालू भांजे, 2 दिन बस बंद रहेगी, मैं ये पैसे तेरी मामी को देकर आता हूँ, पता नहीं बेचारी कैसे कैसे खर्चा चला रही होगी। ठीक है मामा जी, मगर जल्दी आना, अपने घर जाकर हमें भूल ना जाना, कमाई बहुत अच्छी हो रही है। ऐसे कालू का मामा पैसे लेकर अपने जंगल लौट जाता है। बस खाली खड़ी थी, कालू गोरी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रानू बहन, हम सब पक्षियों ने हरिद्वार जाने का सोचा है, आपकी क्या राय है? कबूतर भैया, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं भी चलूंगी। मम्मा, मुझे भी जाना है, मेरा गंगा जी में डुबकी लगाने का बहुत मन है, मैं काफी समय पहले नानो के साथ की गई हुई हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको लेकर ही चलूंगी। मिठू पति जी, हम भी अपने बेटे को ले चलेंगे, बच्चों का मन भी लग जाएगा। ऐसे काफी सारे पक्षी हरिद्वार जाने का मन बना लेते हैं। ठीक है तो दोस्तों, भीड़ थोड़ा ज्यादा होगी है, मैं तो कहता हूँ कालू के मामा की बस को बुक कर लेते हैं, घर से बैठे जाएंगे और घर पर ही उतरेंगे, बच्चों को लेकर कहाँ परेशान होंगे। चले कबूतर, हम सब कालू गोरी के घर चलते हैं और उनके मामा जी से बात करते हैं, वरना वो सुबह किराया कमाने निकल जाएंगे। ठीक है तो दोस्तों, मैं भी चलता हूँ, हरियाली आप घर जाएं। ऐसे चिड़िया कबूतर मिठू और सोना चील कालू गोरी के घर चले जाते हैं और उन्हें हरिद्वार जाने की बात बताते हैं। कौवे को तो लालच आ जाता है। चल तो देंगे, लेकिन किराया 20,000 लगेगा। 20,000? 20,000 तो बहुत ज्यादा है, गोरी कालू गंगा जी जा रहे हैं, कुछ तो कम करो। 10,000, लेकिन इससे कम 1 रुपया भी नहीं होगा, जाना है तो जाओ। हम कल सुबह जल्दी ही निकलेंगे, आप बस लेकर तैयार रहना, देर ना होने पाए। ठीक है चिड़िया, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे, आप खाना थोड़ा ज्यादा बांध लेना, हम बना नहीं पाएंगे तो तुम्हारे साथ ही खा लेंगे। हाँ कालू भैया, आप खाने की चिंता बिल्कुल ना करें, हम खाना फालतू ही लेकर चलेंगे। ऐसे सब पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गौरी, मामा जी तो परसों आएंगे, फिर बस कौन चलाएगा? कालू, तुम कितने दिनों से मामा जी के साथ कंडक्टर हो, बस साइड भी लगा लेते हो, तो चलाने में क्या हर्जी है? गौरी, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? कुछ नहीं होगा, बस तो ऐसे चलती है जैसे कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हो, तो मना ना करना, पूरे 2 दिन के 10,000 मिलेंगे, इतना तो सवारियों से भी नहीं मिलेगा। कालू कौवा राजी हो जाता है और सुबह होते ही सारे पक्षी बस के पास जमा हो जाते हैं। गौरी सबकी गिनती करती है। बैठ जाएं, सब अपनी सीटों पर आराम से बैठ जाएं। लेकिन गौरी को भी, मामा जी कहाँ हैं? वही तो बस चलाएंगे। मामा जी तो 2 दिनों के लिए अपने जंगल गए हुए हैं, तो कालू बस चलाएगा। लेकिन गौरी, कालू को बस चलाना आता तो नहीं है, फिर वो कैसे चला पाएगा? कौन कहता है मुझे बस चलाना नहीं आता, बल्कि ये कहो मुझे तो मामा जी से भी ज्यादा अच्छी बस चलानी आती है, अब जल्दी बैठो, धूप ना करो। पक्षियों को विश्वास हो जाता है और सभी बस में बैठ जाते
जाते हैं। कालू जैसे ही बस स्टार्ट करता है तो सभी पक्षियों को जोर का झटका लगता है। सब पक्षी हिल जाते हैं, वो कुछ बोल पाते तभी कालू का वह रेस छोड़ता है और बस को रोड पर ले आता है और हाई स्पीड पर चलाता है। कालू भैया जरा धीरे चलाएं, बच्चों को डर लग रहा है। अगर धीरे बस चलाऊंगा तो एक महीने में हरिद्वार पहुंचेंगे। कालू कौवा ठीक कहता है, आप बस जोर से ही चलाएं। ऐसे कालू कौवे की बस रोड पर उड़े जा रही थी। सीधे सीधे रोड पर तो कालू जैसे तैसे ठीक बस चलाता, लेकिन जैसे ही टेढ़े मेढ़े मोड़ आते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और बस को एक ऊंची चट्टान में ठोक देता है। मर गए, आज तो इस कालू कौवे ने मार ही दिया होता। सब पक्षी जल्दी जल्दी बस से बाहर आ जाते हैं और कौवों को तो खूब सुनाते हैं, क्योंकि बस के आगे का हिस्सा बिल्कुल ही टूट चुका था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो किसी को चोट नहीं आई। कालू गोरी, आपने हम सब पक्षियों की जान जोखिम में डाली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर लालच की भी हद होती है। मेरा मन तो कर रहा है इन कौवों को मार मार के भरता बना दूं, लेकिन ये भी नहीं कर सकती, गंगा जी नहाने जो जा रही हूँ। ऐसे सब पक्षी वहाँ से दूसरी बस पकड़कर अपना आगे का सफर तय करते हैं, क्योंकि मामा जी की पूरी बस टूट चुकी थी। कौवे तो चुपचाप बैठे रह जाते हैं। गोरी, काम वो करना चाहिए जो हमें पूरी तरह से आता हो, देख लिया अपने लालच का नतीजा, मरते मरते बचे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद। कालू कौवा बंगाल का जादू सीखने गया था, उसे पूरे 6 महीने हो गए थे और आज वो लौटकर घर आ रहा था। गोरी कवी स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गया मेरा निखट्टू पति, आ गया, मुझे कब से इंतजार था, इतने दिन क्यों लगा दिए। गोरी घर चलें, रास्ते में बताता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिल जाता है। अरे कालू कौवे, इतने दिन बाद मिले, तुम कब आए। बस अभी स्टेशन से आ रहा हूँ। वैसे कालू तुम इतने दिन कहाँ पर थे, हमने गोरी से कई बार पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया। मैं काम सीखने अपने दूर के चाचा जी के घर गया हुआ था, अब चलता हूँ, कल आराम से बातें करेंगे। हाँ हाँ कालू जी थक गए हैं, लंबा सफर करके आए हैं, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। ऐसे कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँच कर गोरी उसे एक गिलास पानी देती है। गोरी हमारा घर तो बहुत खराब है, छत भी टूटी हुई है, खिड़कियाँ भी नहीं है, दरवाजा कहाँ गया। हाँ इस जंगल में बस हम कौवों का ही तो ये पुराना घर रह गया है, बाकियों ने तो कब के नए नए बना लिए। बस अब मैं आ गया हूँ, पूरे जंगल में अपनी कोठी खड़ी कर दूंगा, तुम देखते जाना। क्या इतना पैसा कमा के लाए हो, एक बार मुझे बताया भी नहीं। नहीं गोरी, अभी तो मैं काम सीख के आया हूँ, कमाना तो बाकी है, वो भी इसी जंगल से। अपना कान इधर करो, मैं बताता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के कान में कुछ बड़बड़ाता है, वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन जंगल के बीचों बीच सभी पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। मम्मा वहाँ चलते हैं, देखो कितनी भीड़ लगी है। हाँ गुड़िया बेटी, लगता है कुछ फ्री में बट रहा है, चलो जल्दी हम भी चलते हैं। फिर मम्मा बेटी उस भीड़ में चली जाती है। वहाँ तो कठपुतली का खेल चल रहा था, बच्चे ताली बजा बजा के हल्ला गुल्ला कर रहे थे। अरे कोई पकड़ो, ये बंदर मेरी मटकी ले गया, कोई पकड़ो। चिंता ना करो मेरी जान, मैं पकड़ के लाता हूँ तुम्हारी मटकी, लेकिन मुझसे शादी तो करोगी ना। हट हट रे पागल, दूर हट, नहीं करूँगी तो जैसे बंदर से शादी। मम्मा ये कठपुतली तो बोलती है। नहीं बेटा, ये तो पर्दे के पीछे बैठे कौवे की है जो ये आवाजें निकाल रहा है। फिर कालू गोरी पर्दा गिरा देते हैं और खेल समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे तो वहाँ से जा ही नहीं रहे थे। बच्चों खेल खत्म हो गया, अब क्या चाहिए तुम्हें। मुझे ये कठपुतली चाहिए, आप दे दोगी। हाँ हाँ बच्चों, ये कठपुतली बच्चों के लिए ही तो मैं लेकर आया हूँ, गोरी जल्दी जल्दी सारे बच्चों को कठपुतली दो। ऐसे गोरी कवि सभी बच्चों को एक एक कठपुतली दे देती है। कवि जी इस कठपुतली के कितने रुपए हुए। जो भी तुम दोगी वही ले लेंगे, बच्चों की खुशी का सवाल है, पैसे नहीं मांगते हम। फिर चिड़िया कौवों को 20 रुपए दे जाती है। गुड़िया तो अपने
अपनी कठपुतली से बहुत प्यार कर रही थी, उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं रखती। गुड़िया बेटी, जब से आई हो इस कठपुतली में ही लगी हुई हो, ठीक से खाना तो खा ले। हाँ मम्मा, खा लूंगी, आप प्लेट यही रख दें। गुड़िया ने इतना बोला ही था, तभी दरवाजा खोलकर मिट्टू तोता उनके घर आता है। चिड़िया बहन, आपने मेरा मुश्किल समय में पैसों का काम चलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मेरा तो घर ही छिन जाता। मिट्टू तोते, एक दूसरे की मदद करने से ही तो दुनिया चलती है, उस समय मेरे पास पैसे थे तो मैंने आपकी मदद कर दी। हाँ हाँ चिड़िया बिल्कुल, अभी ये पैसे संभालो, पूरे 50,000 है। फिर चिड़िया पैसे गिन लेती है, मिट्टू तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है। रानो चिड़िया वो पैसे संदूक में रख देती है। रात हो जाती है, सब पक्षी सोए हुए थे। जागे जागे मेरी कठपुतलियाँ, जागे, ये सोने का समय नहीं है, कालू कौवा ऐसे बोल ही रहा था। इधर कठपुतलियाँ चलने फिरने लगती है, चिड़िया की संदूक से पैसे निकाल कर कठपुतली कालू कौवे के पास आ जाती है। किसी कठपुतली पे पैसे, किसी पे सोना, गोरी तो जल्दी जल्दी रख रही थी। लौट जाओ लौट जाओ, अपनी अपनी जगह पे वापस लौट जाओ, कल फिर से आना। कबूतर जी जल्दी जागे, हमारे घर में चोरी हो गई। क्या क्या चोरी हो गया? मेरे गले का सोने का हार नहीं है, सोते समय तो गले में ही था। हे ऊपर वाले, संदूक तो खुली पड़ी है। गुड़िया बेटा, लगता है कोई चोर घर में घुस गया। चिड़िया जल्दी से अपने पैसे देखती है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। चिड़िया बाहर शोर मचाती है, बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। साथियों, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे 50,000 रुपए चोरी हो गए। हाँ चिड़िया बहन, रात को कोई चोर आया था, मेरे गले का सोने का हार भी ले गया। वो चोर फिर से आएंगे, सबको रात को चौकन्ना रहना होगा। सब चौकन्ना हो जाए, अपनी महंगी महंगी चीजें छुपा के रखे, जिन्हें चोर ढूंढ ही ना सके। देखो गोरी, खूब देखो, एक ही रात में कितना पैसा जमा हो गया। हाँ कालू जी, ये बंगाल का जादू तो बड़ा कमाल का है, बहुत जल्द हम इस जंगल के करोड़पति पक्षी बनेंगे। वो सारे पैसे जेवर एक संदूक में रखकर ताला मार देते हैं। कबूतर जी, ये मेरे शादी के गहने हैं, इन्हें छुपा दें। लूसी जी, मैं इन्हें जमीन में गाड़ देता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कबूतर का बेटा अपने पापा को खुरपी देता है, उसके एक पंख में कठपुतली थी जो कि सब देख रही थी। रात होते ही कठपुतली उस जगह से सारे गहने ले जाती है। कबूतर जी, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, वो दुष्ट चोर गड्ढा खोद के ले गया। ये कैसे हो सकता है? चोर को कैसे पता चला हमने गहने यहाँ दबाए हैं? ये कैसे हो गया? उन्हें चिड़िया के रोने की आवाज आती है, वो चिड़िया के पास जाते हैं। मैंने गुड़िया की शादी के लिए सोने की झुमकी बनवाई थी, ना जाने चोर को कैसे पता चला, वो मेरे तकिए में से निकाल के ले गया। बस बहुत हो गया, मैं रात को पहरा दूंगा और उस चोर को पकड़ के रहूंगा। हाँ कबूतर भैया, मैं आपके साथ पहरा दूंगी। ऐसे में वो दोनों रात को पहरा देते हैं। कबूतर अपने घर की छत पर छिपा बैठा था, चिड़िया खिड़की से देख रही थी। मिट्टू तोता सोने का नाटक करता है, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सारी कठपुतली जेवर सोना लेकर कौवों के घर जा रही थी। चिड़िया देखो आपने, ये कठपुतली ही चोर है और कौवों के घर जा रही है, यही समय है इन्हें पकड़ने का। फिर सब पक्षी जमा होकर कौवों के घर चले जाते हैं और उसके संदूक का ताला तोड़ देते हैं। ये रहे मेरे पायल, यही है, छोड़ना मत इन कौवों को। चील तो बहुत गुस्से में थी, उन्हें पीटना शुरू करती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और दोनों को जेल में बंद कर देती है, और इस तरह से सबको अपना अपना सामान मिल जाता है। कौवे तो बाकी की जिंदगी जेल में गुजारते हैं। आपका धन्यवाद।